नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र का पहला मराठा भवन मीरा भाईंदर शहर में बनने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मराठा समाज के जो लोग हैं वो लगातार 2 दशकों से इसकी मांग कर रहे थे कि मीरा भाईंदर शहर में मराठा भवन हो, जो कि आज 15 अक्टूबर को इसका भूमि पूजन होने वाला है, वो भी मराठा समाज के कई नेतागण के मौजूदगी में। मैं आपको बता दूं कि आज इसकी जानकारी 146 के आमदार प्रताप सरनाइक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया। अब बताना चाहूँगा कि इस मराठा भवन में जो गरजू विद्यार्थी हैं मराठा समाज के, वो यहाँ पे और उन्हें जो सुविधा मिलने वाली है, जिस प्रकार से हॉस्टल में सुविधा मिलती है उसी प्रकार से इस मराठा भवन में मिलेगी। मैं आपको चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो मराठा भवन बनने वाला है ये 16 मंजिला होगी। आखिर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या जानकारियाँ दिया MLA प्रताप सरनाइक ने, चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र का पहला मराठा भवन और खासकर 100 लड़कियों का और 100 लड़कों का, जो मराठा समाज के विद्यार्थी है उनको रहने का, इन्हें 200 विद्यार्थियों के वसतिगृह का भूमि पूजन हमारे युवराज संभाजी राजे भोसले, साथ में शिवेंद्र राजे भोसले, हमारे मंत्री श्री उदय सामंत जी, हमारे मंत्री श्री शंभू राजे देसाई जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय कपिल जी पाटिल, मराठा समाज के नेता और विधायक श्री नितेश राणे और साथ में सभी मराठा नेताओं के उपस्थिति में ये 15 तारीख को सुबह 11 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा है। और साथ ही में घोड़बंदर किले के ऊपर बम्बई से भी दिख सकेगा, यानी मुंबई से जो आने वाले लोग हैं, गुजरात की तरफ जाने वाले लोग हैं, उनको भी दिखेगा। इसे 100 फुट का ध्वज, जो मेरे विधायक फंड से 60 लाख रुपए खर्चा करके बना रहा हूँ, जो घोड़बंदर किले का सबसे ऊपर का बुरुज है, वो बुरुज के ऊपर वो जो हिंदुओं का और हिंदू स्वराज्य का प्रतीक है भगवा ध्वज, वो लहराएगा, तो उसका भी भूमि पूजन उसी दिन रखा गया है। और महाराष्ट्र की ये पहली मीरा भाईंदर महानगर पालिका है के 200 विद्यार्थियों का वसतिगृह और मराठा भवन का निर्माण महानगर पालिका तथा शासन का 1 रुपया भी खर्चा किए बगैर ये भवन का निर्माण हो रहा है। और साथ ही में 1 करोड़ रुपए का निधि, जो नगर विकास मंत्री थे एकनाथ शिंदे जी, तभी उन्होंने मंजूर किया था, आज वो राज्य के मुख्यमंत्री है, तो उनको मैंने ये बात जब भी कही तो उन्होंने एक ही बात कही कि समाज का जो काम है वो जल्द से जल्दी पूरा होना चाहिए, इसलिए आप कोशिश करो, इसके लिए किसी भी तरह के निधि की अगर ज़रूरत होगी तो नगर विकास खाते के फंड से हम लोग निधि की व्यवस्था करेंगे, उसका वितरण करेंगे। तो ये खुशी की बात है कि हमारी सरकार आने के बाद ये जो विधायक के तौर पे मैं जो कोशिश कर रहा था वो सब काम अभी पूरे होने जा रहे और उसका भूमि पूजन हो रहा है। और ये महाराष्ट्र की पहली इमारत होगी जो गरीब मराठा विद्यार्थी और विद्यार्थियों के रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। और दहीसर चेक नाके के पास ये इमारत है, तो मुंबई आने जाने के लिए भी इन विद्यार्थियों को बहुत ही सुविधा होगी। तो मैं सभी हमारे मराठा समाज के सभी लोग यहाँ पे हैं, हमारे दड़वी साहब है, हमारे राणे जी है, हमारे पवार साहब है, सभी मान्यवर लोग जो है पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे थे कि मराठा समाज की एक समाज भवन इस मीरा भाईंदर शहर में होना चाहिए, होने जा रहा है। कितने साल में कंप्लीट होगा ये जो इमारत है? वो काम चालू होने के बाद 2 साल में पूरी हो जाने की हमारे जो विकासक है उन्होंने गवाही दी है महानगर पालिका आयुक्त को, और आयुक्त जी ने भी कहा कि हम 2 साल के अंदर ही अंदर इसका लोकार्पण करेंगे। इस भवन को बनाने में कितना लागत लगेगा? नहीं, लागत कितना लगेगा वो मुझे पता नहीं है, मगर एक बात है कि कंस्ट्रक्शन TDR के माध्यम से पूरी इमारत पूरी कर दी जाएगी। 3 माले जो रहेंगे उसके लिए स्टेयर केस और लिफ्ट अलग अलग रहेगी, और साथ ही में ये जो इमारत है वसतिगृह का एंट्रेंस अलग रहेगा और मराठा भवन की इमारत का एंट्रेंस अलग रहेगा, तो अच्छी तरह से इमारत बनेगी। ऐसे प्रशासकीय भवन जैसे बन रहा है, जैसे हॉस्पिटल बन रहा है, उसी तरह से मराठा भवन की इमारत बनेगी। मगर शासन की ओर से 1 करोड़ रुपये की जो अंतर्गत सजावट है यानी इंटीरियर है, उसके लिए नगर विकास मंत्री जब भी हमारे एकनाथ शिंदे साहब थे, आज मुख्यमंत्री है, उन्होंने वो फंड महानगर पालिका को सुपुर्द कर दिया है। उसके लिए वो बिल्डर से पूछ लीजिए और महानगर पालिका कमिश्नर से पूछ लीजिए। और दूसरी बात ऐसी है,
हमेशा ये बात होती रहती है कि बिल्डर का फायदा हो रहा है, बिल्डर का फायदा हो रहा है। बिल्डर तो दुनियादारी करने के लिए कुछ काम नहीं करता है। जो भी कोई विकासक है वो आगे आएगा, और कंस्ट्रक्शन TDR के माध्यम से अगर ये रूल के बाहर नहीं है, गवर्नमेंट ने जो रूल बिठाया वो रूल में बिठा के ही कॉरपोरेशन अगर कर रही है, तो बिल्डर का अगर 2 रुपये का फायदा होगा तो ही बिल्डर हमें 4 रुपये प्रॉफिट वाली प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन को हस्तांतर करेगी। तो बिल्डर का कितना फायदा होता है, कितना नुकसान है, उसमें हम जाते नहीं है। महानगर पालिका का नियम के अनुसार कितना फायदा होता है उस पर हम जाते हैं, और महानगर पालिका ने जो जो सुविधा महानगर पालिका क्षेत्र में लोगों को देनी चाहिए वो सुविधा मिलती कि नहीं, वो देखने का लोक प्रतिनिधि के तौर पे मेरा अधिकार है। इस भवन में मराठा विद्यार्थी जो रहने वाले वहाँ पर, उनको कौन सी कौन सी? नहीं नहीं, खाली वहाँ पे कैंटीन रहेगा, वहाँ पे उनको सोने की और जो सुविधाएं चाहिए, वस्ती गृह, एक हॉस्टल में जो सुविधाएं होती है वो सभी सुविधाएं यहाँ पे राज्य शासन की ओर से उपलब्ध होगी, ना कि महानगर पालिका। राज्य शासन की जो नियमावली होगी वो नियमावली के हिसाब से 200 विद्यार्थी यहाँ पे रह सकते हैं, उनको जो सुविधाएं चाहिए पूरी की पूरी सुविधा महाराष्ट्र शासन, हमारी शिंदे सरकार और फडणवीस साहब की सरकार में जो सुविधाएं नियम अनुसार है वो सभी उनको प्राप्त होगी। गए 22 साल से मीरा भाईंदर शहर में मराठा समाज के लोगों को इकट्ठा करके एक संघ करके हमने मीरा भाईंदर मराठा संघ के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम के माध्यम से संगठन किया। हमारी समाज की, हमारे पदाधिकारियों की मांग थी कि इस शहर में अपने विद्यार्थियों के लिए मराठा समाज के उत्कर्ष के लिए एक मराठा भवन हो, और इस चीज़ को लेके गए 22 साल से हम प्रयास कर रहे थे। लेकिन हमारे आमदार, मराठा समाज के आमदार प्रताप सरनाइक साहब, इनके पास हमने जब ये प्रस्ताव रखा, उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार करके गए बहुत साल के प्रयास से आज इस महाराष्ट्र में पहला 16 मंजिले का मराठा भवन इस शहर में होने जा रहा है। उसका उद्घाटन 15 तारीख सुबह 10 बजे होगा, 10:30 बजे होगा। आप सभी लोगों को हम निमंत्रित करते हैं। हमारा मराठा समाज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस कार्यक्रम में आएगा। जल्लोष, हमारा जो जल्लोष वहाँ पर रहेगा मराठा समाज का, एक वातावरण मराठा समाज का आप देखेंगे। फेटे के साथ हम जल्लोष के साथ उस हॉल में पहुँचेंगे। हमारा पेनकर पाड़ा से लेके पूरे भाईंदर पश्चिम, भाईंदर पूर्व, अलग अलग जगह से हम लोगों को वहाँ पर निमंत्रित किया है। आप पत्रकार लोगों को भी, हमारे बंधु हैं आप, तो आप भी हमारे जल्लोष में सहयोग कीजिए। परसों जो कुछ आपके पास साथ हुआ रहेगा उसके लिए साहब ने माफ़ी मांगी है, लेकिन हम आपकी वहाँ पर खातिर करेंगे। निश्चित रूप से आपको कोई भी असुविधा न हो इसका ख्याल रखने की कोशिश करेंगे, और हम चाहते कि आप लोग इस मराठा भवन, जो महाराष्ट्र में सब पहला मराठा भवन हो रहा है, उसकी प्रसिद्धि पूरे देश में, पूरे राज्य में बड़े तादाद के साथ, बड़ी ताकत के साथ आप करें, ताकि अच्छा काम लोगों तक पहुंचना आपके माध्यम, आपके सिवा नहीं हो सकता है। तो आप हमको सहयोग करें, मराठा समाज के इस उपक्रम को सहयोग करें, आप साथ में हमारे रहे, यही हम आशा।